हे गाइस, वेलकम टू बिजी कार स्कूल। मैं हूं अशफाक खनूसिया और ये है ब्लेंडर सीरीज। एंड आज का टॉपिक है मिनिमल ज्योमेट्रिक डिजाइन कैसे करते हैं। इस ट्यूटोरियल के टोटल 3 पार्ट रहेंगे। फर्स्ट मॉडलिंग, सेकंड मटेरियल यानी कि शेडिंग, थर्ड लाइट कैमरा एंड रेंडरिंग। तो चले चलते हम अपने एप्लीकेशन में एंड सीखते हैं ब्लेंडर को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। सबसे पहले बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं। शिफ्ट ए, मैश प्लेन स्केल करना है, इसे स्केल कर दो। रैंडम कोई भी एक साइज ले लो। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कॉपी कर दिया। रोटेट करना है 90 डिग्री, तो यहाँ पर रोटेट करके यहाँ से 90 प्रेस करके आप इसे 90 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। इसे मूव करना है, स्पेस बार एंड जी प्रेस करें एंड इसे बैक साइड के अंदर मूव कर लिया थोड़ा सा टॉप के। नीचे का फ्लोर क्रिएट हो गया एंड ये बैकग्राउंड क्रिएट हो गया। अभी जो ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना है, तो सबसे पहले शिफ्ट ए, मैश एंड क्यूब यहाँ पर ले लिया। दूर एम्प्टी स्पेस में यहाँ पर मूव करते हैं एंड उसे टैप प्रेस करके एडिट करना है। 3 प्रेस करो, पॉलीगॉन सिलेक्ट करो, स्पेस बार एंड जी प्रेस करके इसे नीचे की ओर मुझे मूव करना है। एक थीन ऑब्जेक्ट मुझे क्रिएट करना है, तो यहाँ से एक पॉलीगॉन को सिलेक्ट करो एंड उसे मैं यहाँ तक मूव कर रहा हूँ। टैप प्रेस करें, ऑब्जेक्ट मोड स्केल करना है। ऑब्जेक्ट को मैंने स्केल कर दिया। टैप प्रेस करके अभी थोड़ा सा मुझे यहाँ से ऑब्जेक्ट को थोड़ा और स्केल करना है। अभी 2 प्रेस कर यहाँ के दोनों एज को मैंने सिलेक्ट किया। कंट्रोल बी से बेवल मिलेगा, माउस को मूव करो, दोनों जो फेस है वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर सी प्रेस कर दो तो मैक्सिमम उसकी जो वैल्यू रहेगी वहीं तक ही वो बेवल होगा। माउस का मिडल स्क्रोल बटन को प्रेस करो एंड आप यहाँ पर जितने चाहे उतने सेगमेंट यहाँ पर ऐड कर सकते हो जिससे आपको एक अच्छा सा कर्व मिलेगा। तो यहाँ पर ऐड कर दिया एंड टैप प्रेस करो तो ये एक ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो गया। इसे रोटेट करना है तो इसे 90 से इसको परफेक्टली रोटेट कर दिया। अब इसको स्केल करना है, एस प्रेस करें, इसे स्केल कर सकते हो। टॉप में चले गए, इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो यहाँ पर स्पेस बार एन जी, इसे बैक साइड में मूव कर लिया। यहाँ से ग्रिड को ऑफ कर लो एंड मुझे एक्स वाई एक्सिस भी नहीं चाहिए एंड यहाँ पर ज्योमेट्री का अंदर वायर फ्रेम को ऑन कर दिया। अभी हमारे ऑब्जेक्ट का जो पिवट है उसे एडजस्ट करना है, तो ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन एंड ओरिजिन टू ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री के सेंटर में और उसका ओरिजिन सेट हो जाएगा। इसे थोड़ा सा ऊपर की साइड में मूव करो। इसे कॉपी करना है या तो अगर आपको उसको स्केल करना है तो स्केल भी कर सकते हो। थोड़ा सा मुझे इसे इसको स्केल कर दिया। टैप प्रेस करें, 1 प्रेस कर दो। यहाँ से एक्सरे मोड, बैक नीचे के जो वर्टेक्स थे उसे सिलेक्ट किए, उसे ऊपर की ओर ले लिया। फ्रंट में चले जाओ, जितना ज़रूरी है उतना ही ऊपर की ओर लेके आओ। अगेन टैप प्रेस कर दो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कॉपी किया, आगे की साइड में ले लिया। थोड़ा सा इसे मुझे साइड में मूव करना है एंड इसे बैक साइड में ले जाना है, तो मैं इसे यहाँ पर बैक साइड में ले लिया। स्केल करना है एंड इस साइड से थोड़ा सा स्केल किया, मूव करो थोड़ा सा इस साइड में एंड फ्रंट में चले जाओ, यहाँ से आपको विजिबल होगा। इससे मुझे थोड़ा सा बाहर की ओर लेके आना है। टैप प्रेस करो, 1, इसके जो वर्टेक्स है उससे नीचे के फ्लोर से तक यहाँ पर मूव कर दो। तो यहाँ पर ये जो दो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो चुके हैं। अभी यहाँ पर मुझे स्टेप क्रिएट करना है, तो स्टेप के लिए एक मैं बॉक्स लेता हूँ, शिफ्ट ए, मैश एंड क्यूब, यहाँ पर क्यूब ले लिया, इसे स्केल करना है। अभी टैप प्रेस करें, 2, इस एज को सिलेक्ट किया, कंट्रोल बी से मुझे इसे बेवल कर दिया एंड यहाँ पर बेवल में जो ऑप्शन है यहाँ से बेवल को आप ओपन कर सकते हैं उसके प्रॉपर्टीज़ को एंड सेगमेंट आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पर इसके 12 सेगमेंट ऐड करता हूँ एंड सेगमेंट को ऐड करने के बाद यहाँ पर कस्टम में चले जाते हैं। कस्टम में नीचे प्रीसेट है, उसे आप यहाँ पर स्टेप की तरह सेट कर सकते हैं एंड नाउ एडिट मोड, एक्सरे मोड को ऑन कर दो। 2 प्रेस करो, बीच के एज को सिलेक्ट करो एंड कंट्रोल बी से इसे मुझे थोड़ा सा बेवल करना है।
तो ये बेवल अभी स्टेप प्रीसेट में है, तो स्टेप की जगह पर यहाँ पर प्रीसेट में डिफॉल्ट कर दो एंड यहाँ पर सुपर स्प्लाइन में जाके यहाँ से आर्क ले लो। तो यहाँ पर एक परफेक्ट जो आर्क हमें चाहिए था वो यहाँ पर मिल जाएगा। साइड में क्लिक कर दो, टैप प्रेस करो, एक्सेल मोड को ऑफ करते हैं एंड यहाँ से वायर फ्रेम को ऑफ करके आप देख सकते हो आपका ऑब्जेक्ट किस तरह कैसा दिख रहा है। यहाँ से आप कैविटी को ऑन कर दो जिससे जो कर्व जहाँ पर होगा वो आपको परफेक्टली विजिबल होगा। मैं यहाँ से ग्रिड यानी कि फ्लोर को ऑफ कर देता हूँ, इसे सेट करना है, टॉप में चले जाओ, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर मूव कर दिया इस ऑब्जेक्ट के आगे एंड फ्रंट में जाके इसे फ्लोर से थोड़ा सा ऊपर की ओर। यहाँ पर फ्लोर यहाँ पर है, या तो अगर फ्लोर विजिबल नहीं हो रहा, यहाँ से वायर फ्रेम को ऑन कर दो तो ये फ्लोर है एंड इसे फ्लोर के ऊपर सेट कर दो। एंड अगेन आपको अगर यहाँ से जो लास्ट स्टेप है उसका थिकनेस कम है, अगर उसका थिकनेस आपको इंक्रीज करना है तो इससे आइसोलेट मोड शिफ्ट एच प्रेस करते हैं एंड फ्रंट में टैप प्रेस करो, वन वर्टेक्स मोड, एक्सरे ऑन करना ना भूले। तो यहाँ से वर्टेक्स को सिलेक्ट कर दिया, वाई में जाके इसे थोड़ा सा नीचे की ओर मूव कर दो एंड बैक साइड के वर्टेक्स को सिलेक्ट करो, उसे भी यहाँ से थोड़ा सा बैक साइड में मूव कर दिया। टैप प्रेस करो एंड ऑल्ट एच से अनहाइड ऑल हो जाएगा एंड एक्सरे को ऑफ कर देते हैं, यहाँ से वायर फ्रेम को ऑफ कर देते हैं। तो अभी हमारा कुछ इतने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो गए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो टॉप में जाके इसे थोड़ा सा आगे की ओर मूव कर लेते हैं। यहाँ तक क्रिएट हो गया, अभी यहाँ पर नीचे फ्लोर पे मुझे दो राउंड क्रिएट करना है, तो उसके लिए शिफ्ट ए, मेश एंड यहाँ से सिलेंडर, सिलेंडर को थोड़ा सा टॉप में ले लो, स्केल करना है मुझे इसे, यहाँ तक स्केल कर दिया एंड टैप प्रेस करके थ्री फेस को सिलेक्ट करो एंड इसे नीचे की तरफ मूव करो। बट यहाँ से हमें फ्रंट से प्रॉपरली पता चलेगा कितना इसका थिकनेस है, मुझे थिकनेस कम चाहिए तो यहाँ पर हमने क्रिएट कर लिया ऑब्जेक्ट को, उसे ऊपर की ओर ले लो एंड अभी इसके जो ये एजिस है वो मुझे सॉफ्ट चाहिए, तो टैप प्रेस करो, टू प्रेस करो एंड यहाँ से एज को सिलेक्ट करके ऑल्ट से आप पूरा लूप को सिलेक्ट कर सकते हो, अगेन ऑल्ट एंड शिफ्ट से नीचे का लूप को भी सिलेक्ट कर दो। कंट्रोल बी से मुझे बेवल करना है, कंट्रोल जेड, पहले थोड़ा सा जूम आउट कर दो, अगेन कंट्रोल बी ताकि आप इसे अच्छे से बेवल अप्लाई कर दो। यहाँ तक हो गया, ऑब्जेक्ट को स्मूथ करना है, राइट क्लिक, शेड स्मूथ कर दो एंड उसके ऊपर अगर एड मॉडिफायर में जाके यहाँ से सब डिवीजन सरफेस ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आपको एक सॉफ्ट रिजल्ट मिलेगा, जो व्यू पॉट में अगर आप उसे 2 का वैल्यू दे दो तो यहाँ से काफ़ी अच्छा आउटपुट आपको मिलेगा। सिलेक्ट करो ऑब्जेक्ट को, फ्रंट में चले जाते हैं, इसका ओरिजिन जो है ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन, ओरिजिन टू ज्योमेट्री, सेंटर में आ गया, इसे नीचे की ओर मूव करते हैं फ्लोर तक, अगेन कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी किया, इसे ऊपर की ओर ले लो एंड जूम इन करके इसे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रॉपरली सेट करते हैं। अब इसका थिकनेस मुझे इसे मुझे स्केल करना है, बट थिकनेस जो है वो मुझे सेम ही चाहिए, तो टॉप में जाके एस प्रेस करो, स्पेस बार एंड एस एंड यहाँ से सिर्फ एक्स एंड वाई की वैल्यू हम डिक्रीज करेंगे एंड इसे स्केल करेंगे। तो यहाँ पर स्केल हो गया, फ्रंट से देखते हैं तो इसका थिकनेस जो है वो एज इट इज़ है। उसके ऊपर मुझे एक जैसे चेस का कोई एक ऑब्जेक्ट मुझे क्रिएट करना है, तो अगेन शिफ्ट ए, मैश एंड यहाँ से सिलेंडर ऐड कर दिया, मूव करो इसे ऊपर की ओर एंड फ्रंट में जाके इसे टैप प्रेस करके वन उसके वर्टेक्स को सिलेक्ट करें, बट एक्सरे ऑन करना ना भूले ताकि बैक साइड के वर्टेक्स भी सिलेक्ट हो जाए। यहाँ से ऊपर की ओर मूव करते हैं, इसका लेंथ जो है वो मुझे इस स्टेप से थोड़ा सा ऊपर की ओर रखना है, नीचे के जो वर्टेक्स है उसे मैं नीचे की ओर यहाँ तक मूव कर देता हूँ। यहाँ से सिलेक्ट करिए,
तो ये सेट हो चुका है। एंड एक्सरे को मैं ऑफ करता हूँ। यहाँ पर जो ये लाइंस जो विजिबल हो रही है, राइट क्लिक करके इसे शेड स्मूथ कर दो ताकि इसके लाइंस जो है वो रिमूव हो जाएंगे। बट यहाँ पर शेड जो है वो ख़राब हो रहा है, तो इसके लिए यहाँ से ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी, उसमें नॉर्मल में जाके ऑटो स्मूथ को ऑन कर दो ताकि आपका शेड जो है वो परफेक्टली आपको विजिबल हो जाए। फ्रंट में इसमें मुझे कुछ सेगमेंट्स ऐड करना है ताकि इसको मैं रिसाइज कर सकूं। टैब प्रेस करने के बाद कंट्रोल आर, तो हमें यहाँ पर कुछ अभी फ़िलहाल मैं इतने सेगमेंट्स को ऐड कर दिया। एंड नाउ अभी मुझे इसे एडजस्ट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले एक्सरे ऑन करें, ये जो नीचे के वर्टेक्स है उसे मूव करते हैं थोड़ा सा नीचे की ओर, उसके बाद के जो वर्टेक्स है उससे हम थोड़ा सा उसके क्लोज ले आते हैं। अगेन इसका डिस्टेंस भी हम कुछ नियरेस्ट यहाँ पर रखते हैं। यहाँ से मुझे इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर लेना है ताकि थोड़ा सा चेस की तरह एक ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो जाए। ये हो गया। उसके बाद इसे थोड़ा सा मैं पास में ले आता हूँ यहाँ तक। अगेन इसे लॉन्ग रखते हैं, इसके मैं थोड़ा सा अभी और ऊपर के देता हूँ। कंट्रोल आर से यहाँ पर दो एजेस मैंने ऐड कर दी। एंड अगेन इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करके इसे इस ऊपर का जो एज है उसके नियर ले आते हैं। तो यहाँ पर जो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए थे, यहाँ पर जो हमें एजेस चाहिए थे वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अभी एक्सरे मोड को ऑफ कर दो। अभी मुझे इसे कस्टमाइज करना है, तो इसके लिए सबसे पहले 3 प्रेस करें एंड जो नीचे के जो फेसेस है स्पेस बार एंड बी से सिलेक्शन टूल आ जाएगा। एंड यहाँ पर मैं ऑल्ट से एक पूरा लूप को सिलेक्ट करता हूँ। अभी मुझे इसे एक्सट्रूड करना है, तो एक्सट्रूड के लिए यहाँ से अलग अलग टाइप के ऑप्शन है। तो एक्सट्रूड अलॉन्ग नॉर्मल, तो यहाँ पर ये बाहर की साइड में जिस तरह का नॉर्मल होगा उसका उसी साइड में ये एक्सट्रूड होगा। तो यहाँ से इतना ज़्यादा नहीं, यहाँ तक एक्सट्रूड किया। उसके बाद 2 प्रेस करके ये जो एज का लूप है उसे सिलेक्ट किया। यहाँ पर एक्सट्रूड की जगह पर अभी सिलेक्शन टूल ले लो एंड यहाँ से एस प्रेस करके उसे मुझे बाहर की ओर इसे यहाँ तक स्केल कर दिया। अगेन 3 प्रेस करें, यहाँ से पूरा लूप को सिलेक्ट करते हैं। अगेन एक्सट्रूड करना है मुझे वही अलॉन्ग नॉर्मल्स, एंड यहाँ पर इसे आप बाहर की ओर जितना चाहे उतना आप इसे एक्सट्रूड कर सकते हैं। अगेन एज लेना है, यहाँ से सिलेक्ट किया एज के लूप को, सिलेक्शन टूल ले लो एंड थोड़ा सा इसे भी बाहर की ओर स्केल करना है। अगर कम स्केल करना है तो शिफ्ट का यूज़ करें। ओके, यहाँ तक ये हो गया। उसके बाद अभी ऊपर की ओर, तो यहाँ पर भी लूप है, सिलेक्ट करो पूरे लूप को एंड इसे इस लूप के साथ में मुझे सिलेक्ट करना है, दोनों को एक साथ एक्सट्रूड करना है। तो यहाँ पर है एक्सट्रूड, इसे बाहर की ओर ले लिया। बाद में हम जितना चाहे उतना एडजस्ट करना है वैल्यू को हम एडजस्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम कुछ यहाँ तक इसे स्केल कर देते हैं। सिलेक्शन टूल 2 प्रेस करें, इस एज के लूप को सिलेक्ट किया, स्केल करते हैं अंदर के साइड में। उसके बाद अगेन ऊपर के जितने भी लूप है सारे लूप को सिलेक्ट करें, तीनों लूप को सिलेक्ट कर दिया। एक्सट्रूड प्रेस करें, तो यहाँ से एक्सट्रूड किया। अभी सिलेक्शन टूल एंड फ्रंट में चले जाते हैं। अभी फ़िलहाल हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ इस तरह से क्रिएट हुआ है। डन, यहाँ से एक्सरे मोड ऑन कर दो, टैब प्रेस करो एंड 1 से वर्टेक्स को मैंने सिलेक्ट किया, तो नीचे के जितने भी वर्टेक्स हैं सभी वर्टेक्स को मुझे इसे स्केल करना है। अभी मुझे टॉप से स्केल करना है, पर देखना है मुझे इसे फ्रंट में से मुझे एक और व्यू क्रिएट करना है। यहाँ से टॉप में चले जाओ एंड अभी थोड़ा सा और मुझे इसे मूव करना रहेगा ताकि यहाँ पर जो ऑप्शंस है वो मुझे यहाँ पर विजिबल हो जाए। यहाँ पर सेट कर दो, थोड़ा सा जूम करते हैं एंड यहाँ से मुझे वायर फ्रेम को ऑफ करना है। ओके डन, अभी सिलेक्ट करो नीचे के जितने भी वर्टेक्स हैं सभी वर्टेक्स को एंड अभी स्केल करना है, तो यहाँ से हम इसे कुछ इस तरह से
स्केल करते हैं। सेट हो गया, यहाँ के जितने भी वर्टेक्स है उससे स्केल करना है। तो ऑब्जेक्ट को आप आपके हिसाब से आपको जितना भी स्केल चाहिए उसी तरह से आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इतना स्केल कर दिया। उसके बाद ऊपर के जितने भी वर्टेक्स है सभी वर्टेक्स को मुझे अंदर की ओर स्केल करना है। बट देखो यहाँ पर जो सिर्फ ऊपर का जितना भी हमने एक्सट्रूड किया था उतने ही पार्ट को हमें स्केल करना है। तो टू प्रेस करें, एज के यहाँ के जो लूप है आप इसे यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो रोटेट करके इसे सिलेक्ट एंड ऑल्ट से लूप सिलेक्ट हो गया। अगेन टॉप में चले जाओ एंड सिर्फ मुझे इसे टू साइड से, तो इसका वैल्यू जो है वो काफ़ी नियरेस्ट मैंने यहाँ पर रखा हुआ है ऊपर के जितने भी पॉलीगॉन्स हैं। तो यहाँ पर जो सेंटर की जो लाइन्स है वो अभी फ़िलहाल मुझे रिमूव करनी होगी, ताकि अगर मैं ऊपर का लूप को अगर मैं स्केल करूँ तो यहाँ पर नीचे का परफेक्टली लेवल नहीं आएगा। तो इसीलिए पहले ये जो लूप है उसे सिलेक्ट करो, ऑल्ट शिफ्ट से इस लूप को भी सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करके इसे डिजोल्व एजिस के ऊपर क्लिक कर दो, ताकि वो बीच में से एजिस रिमूव हो जाएगी बट हमारे ऑब्जेक्ट में से कोई फेस रिमूव नहीं होगा। अगेन वन प्रेस कर दें, यहाँ से सिलेक्ट किया सारे ऊपर के टॉप के वर्टेक्स को एंड इसे स्केल करना है। उसके बाद कंट्रोल आर प्रेस करें, दो एज को मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर, एज का जितना पार्ट है उस पार्ट को भी मुझे स्केल करना है। तो थ्री प्रेस करके ये जो पॉलीगॉन सिलेक्ट हुए हैं उसे यहाँ से टी प्रेस करो ताकि टूल्स आपको मिले, टूल्स में से आपको यहाँ से एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल, तो यहाँ से मैंने इसे बाहर की ओर एक्सट्रूड किया। अभी यहाँ पर जो हमने एक्सट्रूड किया उसे थोड़ा सा ऊपर की ओर मूव करना होगा, क्रॉस जो फेसेस जा रहे हैं वो परफेक्टली आपको लाइन में मिले। अभी यहाँ से जब क्लिक करके आप यहाँ से एरो आएगा फिर ऊपर की ओर ऐसे मूव करो, तब जाके यहाँ से ये एरो जब आपको विजिबल होगा तभी यहाँ से आप इस बटन को रिलीज कर दो, तो यहाँ से वो मर्ज हो जाएगा। एंड एक्सरे मोड को अभी फिलहाल ऑफ करते हैं, तो आपको कुछ इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट विजिबल होगा। अभी यहाँ पर सारी शार्प एजेस है, सिलेक्ट करें, टैप प्रेस कर देते हैं एंड यहाँ पर एजेस जो है टू प्रेस करो, ए से सारी एजेस यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी। बट अभी हमें सारी एजेस को बेवेल नहीं देना है, जहाँ जहाँ पर आपको बेवेल चाहिए ऑल्ट से सिलेक्ट करो, ऑल्ट एंड शिफ्ट एंड यहाँ पर भी देखो थोड़ा बहुत कॉर्नर है तो उसे अगर आपको बेवेल देना है आप वहाँ पर बेवेल दे सकते हो, बट ज़रूरत नहीं है तो नीचे का जो पार्ट है वहाँ पर सिलेक्शन कर लो। तो ऑल्ट एंड शिफ्ट यहाँ पर अगेन एंड जितना भी हमें इसे बेवल देना था उतना हमने सिलेक्ट कर दिया। एंड अभी यहाँ पर थोड़ा सा जूम इन करते हैं एंड कंट्रोल बी से मुझे बेवल देना है इसे, माउस के स्क्रॉल बटन से यहाँ पर सेगमेंट्स को ऐड कर दो ताकि एक प्रॉपर स्मूथनेस आपको यहाँ पर मिले। तो यहाँ से कैविटी ऑन कर दो ताकि जहाँ पर भी कॉर्नर्स है वो आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। उसके बाद पियर के कुछ शेप्स क्रिएट करने हैं, तो शिफ्ट ए मैश एंड यहाँ से यूज़ करेंगे यूवी स्पीयर। स्पीयर यहाँ पर क्रिएट हो गया, उसे यहाँ पर मूव करते हैं, उसे फिलहाल मैं स्केल कर देता हूँ। यहाँ पर सेगमेंट जो है वो विजिबल हो रहा है, राइट क्लिक करके उसे आप शेड स्मूथ अप्लाई कर सकते हो, बट फिलहाल मुझे इसे टू पार्ट में डिवाइड करना है, इसीलिए कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक को ऊपर की ओर ले लो, परफेक्टली फ्रंट में ऊपर की ओर मूव कर दो एंड थ्री प्रेस करके जितने भी यहाँ के पॉलीगॉन्स है उसे मुझे डिलीट करना है। देखो आप अगर एक्सरे मोड नहीं करोगे तो बैक साइड के पॉलीगॉन सिलेक्ट, बैक साइड के फेसेस सिलेक्ट नहीं होंगे, तो डिलीट के अंदर फेसेस तो बैक साइड के फेसेस आपको यहाँ पर विजिबल होंगे। तो यहाँ पर अगेन इसे सिलेक्ट करो एंड डिलीट एंड फेसेस यहाँ पर आई थिंक ओके। सो अगेन टैब थ्री एंड टॉप के फेसेस डिलीट फेसेस अगेन सिलेक्शन डिलीट एंड फेसेस। तो यहाँ तक हमारा जितना भी डिलीट करना था, यहाँ पर कुछ फेसेस बचे हुए हैं डिलीट कर दो फेसेस एंड ये एक जो फेस है वो ऊपर के ऑब्जेक्ट का है तो उसे भी सिलेक्ट करके डिलीट एंड फेस कर दिया। नाउ यहाँ पर जो एज है
टू प्रेस ऑल्ट एंड शिफ्ट से पूरा लूप सिलेक्ट कर दिया, एंड ई से एक्सट्रूड करना है बट ये मूव हो रहा है, एस प्रेस करो उसे अंदर की ओर स्केल करता है, यहाँ तक अगेन ई प्रेस करके एस प्रेस करके इसे अंदर की ओर मूव किया, वन प्रेस करो तो जितना भी एज था उतना ही आपको वर्टेक्स यहाँ पर सिलेक्टेड मिलेगा, राइट क्लिक करके आप उसे मर्ज वर्टेक्स करके एट सेंटर की ओर मर्ज कर सकते हो, यहाँ तक हो गया। टैप प्रेस कर दो, सिलेक्ट करो इस ऑब्जेक्ट को, या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं इसे डिलीट करके यहाँ पर फ्रंट में चले जाओ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी नीचे की ओर, आर प्रेस करके इसे रोटेट करो, आपको रोटेशन का वैल्यू जो है वो 180 डिग्री देना है। तो यहाँ पर हमने कॉपी कर लिया इस ऑब्जेक्ट को, कॉपी करने से पहले मैं यहाँ पर जो बेवेल मुझे देना है वो बेवेल एंड जो शेड को स्मूथ करना है वो पहले से अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर टैब टू प्रेस करें, एज का लूप को सिलेक्ट कर दो, कंट्रोल बी एंड यहाँ पर थोड़ा सा मुझे स्मूथ कॉर्नर चाहिए, तो यहाँ पर अप्लाई कर दिया, डन। टैब प्रेस कर दो, राइट क्लिक एंड शेड स्मूथ, यहाँ पर जो वैल्यू है ऑटो स्मूथ का यहाँ पर ऑन कर दो, एंड नाउ फ्रंट में जाके इसे कंट्रोल सी कंट्रोल वी मूव करते हैं नीचे की साइड में, आर प्रेस करके इसे रोटेट, वैल्यू जो है वो 180, एंड इसे मूव करते हैं ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के नियरेस्ट प्लेस पर, मैंने इसे यहाँ पर रख दिया। तो ये ऑब्जेक्ट टू पार्ट में डिवाइड हुआ है, एंड इसे मुझे अभी मूव करना है यहाँ पर, स्केल कर दो जितना भी आपको स्केल करना है, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर रखा, नीचे की ओर ले लो, फ्रंट में ही है हम सॉरी फ्रंट, एंड जूम इन करके इस ऑब्जेक्ट के परफेक्टली टॉप पर प्लेस कर दिया। जेड में चले जाओ, इससे मुझे सेंटर में यहाँ पर प्लेस करना, थोड़ा सा मिसप्लेस्ड है, ओके डन। फ्रंट में जाके आर प्रेस करके इसे मुझे कुछ यहाँ तक रोटेट करना है, तो यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो गया। नाउ फ्रंट में चले जाते हैं एंड शिफ्ट ए मैश क्यूब ऐड कर दिया, यहाँ पर ले लो क्यूब को, टैब वन प्रेस करके यहाँ से एक्सरे मोड ऑन करना ना भूले, सिलेक्ट करो एंड इसे मुझे कुछ यहाँ तक स्केल करना है, अगेन इसका विड्थ जो है वो मुझे नियरेस्ट यहाँ पर रखना है, टैब प्रेस करो थ्री, एंड यहाँ पर जो फेस है अगेन टैब थ्री, ओके यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो रहा, ओके ना डिलीट फेस सिलेक्ट डिलीट एंड फेस, तो यहाँ पर मैंने डिलीट कर दिया फेसेस को। अभी फ्रंट में जाके जो कॉर्नर्स के जितने भी एजेस हैं टू प्रेस करें, सिलेक्ट एंड ऑल्ट शिफ्ट से सिलेक्ट कर लें, एंड उसके बाद कंट्रोल बी, यहाँ पर थोड़े से और मैंने सेगमेंट को ऐड कर दिया। टॉप में जाके इसका जो विड्थ है वो इतना सारा नहीं चाहिए, वन प्रेस करें एक्सरे मोड सिलेक्ट करें एंड इसे बैक साइड में यहाँ पर मैंने रख दिया, टैब प्रेस करो, तो ये एक इस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। अभी मुझे इसका थिकनेस चाहिए, तो मॉडिफाई में जाके ऐड मॉडिफायर सॉलिडिफाई ऐड कर दो, इसका वैल्यू जो है आपको बाहर की साइड में चाहिए जहाँ पर भी चाहिए वहाँ पर आप इसे ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पर मैंने इसे थोड़ा सा थिकनेस दे दिया। नाउ मुझे दोनों साइड में कर्व चाहिए, तो थिकनेस अप्लाई करने के बाद यहाँ से इसे अप्लाई करना ना भूले, कंट्रोल ए उसका शॉर्टकट है, अप्लाई कर दिया। नाउ टैब प्रेस करें, टू प्रेस करके ये पूरा लूप, ऑल्ट एंड शिफ्ट एंड बैक साइड का भी ऑल्ट एंड शिफ्ट एंड ऑल्ट एंड शिफ्ट, तो चारों एज लूप को सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल बी जूम आउट करना ना भूले, फिर कंट्रोल बी एंड यहाँ पर आपको कम वैल्यू मुझे यहाँ पर चाहिए, टैब प्रेस कर दो, तो ये एक स्मूथ ऑब्जेक्ट जो है हमारा क्रिएट हो गया है। राइट क्लिक शेड स्मूथ अप्लाई कर दो, ये हो गया। फ्रंट में आ जाओ एंड नाउ इसे ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन ओरिजिन टू ज्योमेट्री, इसे मूव करते हैं यहाँ पर, एंड
यहाँ से वायर फ्रेम ऑन कर दो ताकि आपको पता चले कि ये कहाँ पर हमें प्लेस करना है, यहाँ पर। अब इसका विड्थ जो है वो ज़्यादा है, टैब प्रेस करें, वन प्रेस करते हैं, एक्सरे मोड। अभी मुझे इसे इस साइड के वर्टेक्स को पास में लेके आना है, मुझे इसे यहाँ तक रखना है, एंड टैब एंड एक्सरे मोड को ऑफ कर दो। अभी यहाँ पर जो दो स्पीयर हाफ स्पीयर थे उसे कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी किया एंड उसे मुझे यहाँ पर फिट करना है। ये हो गया, आर प्रेस करके इसको थोड़ा सा इस साइड में रफली रोटेट कर दिया, परफेक्ट सेंटर में प्लेस करके इसे एस प्रेस करो एंड शिफ्ट से स्केल करो ताकि एक आपको परफेक्ट वैल्यू आप इसे दे सको। तो यहाँ पर मैंने इसे स्केल करके सेट कर दिया। अभी एक मुझे यहाँ पर रिंग चाहिए, तो वो रिंग के लिए अगेन कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इस ऑब्जेक्ट को अगर देखें तो कुछ उस तरीके का मुझे रिंग जैसा ही ऑब्जेक्ट दिख रहा है। अभी फिलहाल यहाँ से जो ऑलरेडी जो मॉडिफायर अप्लाइड है उसे रिमूव कर देता हूँ, एंड नाउ टैब प्रेस करके 3 एंड टॉप का जो फेस है उसे डिलीट कर दो, बैक बॉटम का फेस भी डिलीट कर दो। अभी यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसमें यहाँ पर लूप्स है जो कर्व्ड है, तो यहाँ पर फ्रंट में जाके सेंटर के फेसेस के अलावा बाकी के जितने भी फेसेस हैं वो सिलेक्ट मैन्युअली सिलेक्ट कर दिया, एंड इसके अलावा जितने भी सिलेक्टेड, तो सिलेक्शन में चले जाओ, यहाँ से इन्वर्ट का शॉर्टकट है कंट्रोल आई, इन्वर्ट कर दो एंड इसे डिलीट एंड फेस को डिलीट कर दो। अभी जो बचा है, सॉरी देखो हमने यहाँ से एक्सरे मोड ऑन नहीं किया था, अगेन फ्रंट में आ जाओ, 3 प्रेस करें एंड मैं सेंटर के सारे फेसेस को सिलेक्ट किया, कंट्रोल आई से इन्वर्ट डिलीट प्रेस करें एंड फेस से यहाँ पर बाकी के फेस को डिलीट कर दो। अभी एक्सरे को ऑफ करके एंड मैं फ्लोर को भी ऑफ कर देता हूँ एंड इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं सॉलिडिफाई, तो आपको एक इसका थिकनेस मिलेगा, यहाँ तक मैंने थिकनेस इसका अप्लाई कर दिया एंड यहाँ पर अप्लाई करना है मुझे, टैब प्रेस कर दो, नाउ अप्लाई कर दो एंड अभी जो कर्व चाहिए हमें तो वो कर्व आप अप्लाई कर सकते हो। अगर कर्व डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना आप यहाँ से एड मॉडिफायर में से बेवल को ऐड कर दो ताकि हमें सभी साइड से इसे बेवल देना है। तो यहाँ पर पहले ऑटो स्मूथ करना ना भूलें जिससे आपको एक अच्छा शेड क्रिएट होगा। मॉडिफाई यहाँ से बेवल का अमाउंट जो है वो इंक्रीज करते हैं एंड नंबर्स ऑफ सेगमेंट इंक्रीज करो ताकि आपको यहाँ से एक स्मूथ शेप मिलेगा। वैल्यू को चाहो तो आप इसका डिक्रीज भी कर सकते हो, जितना चाहिए आप उतना वैल्यू, तो मैक्सिमम जो वैल्यू है उसी वैल्यू को, या तो फिर 0.01, ये भी सही है, ये भी बढ़िया लगेगा, एंड टैब प्रेस कर दो एंड इसके ऊपर एक और मॉडिफायर अप्लाई करते हैं जो है सब डिविज़न सरफेस, एंड यहाँ से मैं ऑफ करता हूँ वायर फ्रेम को ताकि हमारा शेप जो है काफ़ी अच्छे से विजिबल हो जाए। यहाँ पर व्यू पॉट में वैल्यू जो है वो 2 कर दो तो एक स्मूथ शेड आपको मिलेगा। अभी जो हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया उसी ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ एंड इसे इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में रखना है, स्केल करें समथिंग नियरेस्ट एंड यहाँ पर स्पीयर को भी सेंटर में रखना है, फ्रंट में चले जाओ। अभी जो ऑब्जेक्ट है इसे मैं ऊपर क्यों लेके आता हूँ, इसे भी मुझे अभी स्केल करना होगा, पहले सेंटर में इसे अलाइन कर दो, नाउ स्केल एंड शिफ्ट से अब इसे यहाँ तक स्केल कर सकते हैं एंड अभी इन दोनों स्पीयर को इसे थोड़ा सा रोटेट करके हमें चेक करना होगा नीचे के साइड में, यहाँ तक वो जहाँ तक वो फिट हो जाए वहाँ तक इसे मूव करो एंड फ्रंट में हम चेक कर सकते हैं कुछ यहाँ तक इसे हमने प्लेस कर दिया है। उसके बाद इसी रिंग को कंट्रोल सी कंट्रोल वी मैंने कॉपी लिया एंड टॉप में जाके इसे यहाँ पर रोटेट करना है, सॉरी
यहां पर कुछ नियरेस्ट यहां पर, अभी मूव कर रहा, अभी रोटेशन जो है वो उल्टा हुआ है, मुझे उसका ऑपोजिट चाहिए था, तो इसका रोटेशन समथिंग यहां पर थोड़ा सा, और इसे स्केल करना है मुझे थोड़ा सा, यहां पर मूव करो एंड इस ऑब्जेक्ट के सरफेस पर इसे टच करवा दो। तो ये ऑब्जेक्ट यहां पर सेट हो गया, फ्रंट में जस्ट चेक करते हैं। तो इतना ऑब्जेक्ट हमारे क्रिएट हो चुके हैं, अभी फ्रंट में जाके ये जो रिंग हमने रखा है उस रिंग को मैं डाउन साइड में फ्लोर जहां तक है वहां पर इसे मैंने टच करवा दिया, इसे यहां पर मूव कर दो एंड यहां तक के ऑब्जेक्ट जो है हमारे वो क्रिएट हो चुके हैं। नाउ मुझे एक ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट को मुझे यहां पर प्लेस करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ऑब्जेक्ट को कॉपी करो एंड स्केल करके मैं इसे शिफ्ट प्रेस करें एंड इसे ज्यादा यहां तक स्केल करें एंड इसके यहां तक स्केल किया, टॉप में चले जाओ एंड यहां से मैं इसे वायर फ्रेम को ऑन कर देता हूं। इसको सेकंड स्टेप पे मुझे प्लेस करना है, यहां पर प्लेस कर देंगे, थोड़ा सा स्केल करना है, इसका थिकनेस मुझे ज़्यादा चाहिए तो यहां पर थिकनेस को मैंने इंक्रीज कर दिया। अगेन फ्रंट एंड ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की साइड में है तो उसे नीचे की ओर यहां पर मूव कर दो एंड नाउ सेकंड स्टेप पे रखना है। सो ये ओके वाई में चले जाते हैं एंड अभी इसका जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, टैप प्रेस करके नीचे के जो वर्टेक्स है वाई यहाँ से एक्सरे करना ना भूलें एंड इसे यहाँ पर आप अगर आप चाहो तो इसे स्नैप भी कर सकते हो, तो स्नैप का ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पर, स्नैप को ऑन करो, उसके ऑप्शन जो है वो मुझे वर्टेक्स से स्नैप करना है तो वर्टेक्स यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर दिया एंड इस वर्टेक्स के साथ मैंने स्नैप कर दिया। तो क्या कि परफेक्ट आपका जो सरफेस है वो परफेक्टली मैच हो जाएगा एंड यहाँ पर मैंने इसे प्लेस कर दिया। अभी उसके बाद मुझे यहाँ पर एक स्टार को प्लेस करना है, तो स्टार को क्रिएट करने के लिए अगेन टॉप में चले जाओ, तो शिफ्ट मैश एंड यहाँ से सिलेंडर, इसका वर्टेक्स जो है वो मैंने 10 पे रखे हुए एंड नाउ इसे मूव करके यहाँ पर प्लेस करें, यहाँ तक हो गया। अभी टैप प्रेस करो एंड एक्सरे मोड एंड जो इसके जितने भी वर्टेक्स है उसमें से इन 5 वर्टेक्स को सिलेक्ट करते हैं एंड मुझे स्केल करना है सेंटर से अंदर की ओर, ये इसमें स्केल कर दिया एंड फ्रंट में जाके इस ऑब्जेक्ट का लेंथ काफ़ी ज़्यादा है सो उसे मुझे मूव करना है, तो नाउ यहाँ तक मैंने इसे प्लेस कर दिया। अभी एक्सरे को मैं ऑफ कर देता हूँ, ये ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो गया डन एंड उसके बाद टैप प्रेस करके इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ बेवल, बेवल काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है इसकी, काम कर दो, यहाँ तक मैंने इसका बेवल किया। सेगमेंट्स जो है वो इंक्रीज कर दो ताकि एक अच्छा स्मूथ आपको आउटपुट मिले। अब यहाँ पर जो कॉर्नर जो है आप चेक करेंगे वायर फ्रेम को ऑफ करके, तो ये कॉर्नर जो है वो आपके कुछ इस तरह से दिख रहा है, तो बेवल में ही चले जाओ ज्योमेट्री में एंड यहाँ से मीटर आउटर जो है उसको शार्प की जगह पर ले लो आर्क, तो परफेक्टली आर्क बन गया है यहाँ पर। यहाँ से ऑफ कर ऑन कर दो, जूम आउट करें एंड इसे रोटेट करना है मुझे फ्रंट में, सो ऑब्जेक्ट का ओरिजिन सेंटर में मूव करो ऊपर की ओर एंड कंट्रोल स्पेस बार एंड आर, ये जो रोटेशन जो है वो 90 डिग्री यहाँ पर एंड अभी इसका रोटेशन जो है वो 45 डिग्री या तो फिर -18 ओके परफेक्ट। अभी इसे मूव करो जी प्रेस करके, इस स्टेप पे रखेंगे या तो फिर एक स्टेप छोड़ के ओके टॉप में चले जाओ एंड इसे बैक साइड में मूव करना है यहाँ पर
स्केल करना है, शिफ्ट प्रेस करके स्केल करें। ज़्यादा स्केल मुझे नहीं चाहिए, सी काफ़ी ज़्यादा स्केल हो गया। यहाँ पर सेट कर दो, यहाँ पर मूव कर दो। एंड नाउ अब इसका रोटेशन जो है वो स्केल की वजह से डिफरेंट आ रहा है, तो इसे थोड़ा सा हम ऐसे 36 डिग्री मैंने इसे रोटेट किया। अभी ऊपर की ओर मूव करना है, यहाँ पर रख दिया, तो ये स्टार जो है वो यहाँ पर परफेक्टली सेट हो चुका है, यहाँ तक रख सकते हो। एक और स्टार अगर आपको चाहिए तो आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी करके आप इसे यहाँ पर मूव कर सकते हो, एंड स्केल से इसका साइज जो है वो कम कर दो, एंड उसे मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ फ्रंट में। ऊपर की ओर थोड़ा सा मूव कर दो, ऑब्जेक्ट से बाहर ले लो, इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये स्टार जो है वो सेट हो चुका है। तो ये हमने एक ये ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट को अभी फ़िलहाल हमने क्रिएट किया। अभी मुझे एक हाफ स्पीयर क्रिएट करना है, सो इसी में से ही कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी किया, सॉरी पहले इसे यहाँ पर मूव कर देते हैं साइड में। ओके नाउ एक्सरे मोड टैब प्रेस करके थ्री प्रेस करें, एंड यहाँ पर सिलेक्शन के जो ऑप्शन है उसमें मैं ले लेता हूँ लासो, एंड यहाँ से लेके ये सिलेक्शन, एंड शिफ्ट से अगेन ये बाकी रह गया इतना। ओके नाउ लासो में से इसको कन्वर्ट कर दो सिलेक्शन बॉक्स में, एंड कंट्रोल आई प्रेस करके देखो अभी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो एक फेस जो है कंट्रोल से डी सिलेक्ट कर दो, एंड डिलीट एंड फेसेस को डिलीट कर दिया। अभी टैब प्रेस करो एक्सरे में से, एक्सरे को ऑफ कर दो। तो अभी फिलहाल कुछ ऐसा स्पीयर क्रिएट हुआ है, इसका थिकनेस मुझे चाहिए, सोलिडिफाई अप्लाई करो। थिकनेस यहाँ से मैं ज़्यादा नहीं एक और कम कर देते हैं, यस ये सही है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, अगेन इसके ऊपर अप्लाई करते अगर बेवल को, एंड यहाँ पर सेगमेंट को इनक्रीज करो, एंड वैल्यू जो है वो मिनिमम जितना पॉसिबल उतना ही रखो। तो यहाँ पर ये क्रिएट हो गया, अगेन यहाँ से अप्लाई करते हैं सब डिवीजन सरफेस ताकि एक स्मूथ आउटपुट यहाँ पर मिले। रेंडर का वैल्यू जो है वो मैंने 2 रखा हुआ है, यहाँ पर 1 जो है वो सिर्फ व्यू पॉट का है। अगर 2 करते हैं तो यहाँ पर ये इतना स्मूथ आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, बट फिलहाल मुझे व्यूपोर्ट में 1 ही रखना है ताकि सीन जो है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा हैवी ना हो जाए, दैट्स वाई। एंड अभी इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर रख देता हूँ, आर प्रेस करें रोटेशन कुछ इस साइड में, एंड इसका यहाँ पर रख दिया। यहाँ से ज्योमेट्री वायरफ्रेम ऑन, एंड जो फ्लोर जो है ये जो है वो फ्लोर है, तो उसी लाइन में सॉरी फ्लोर जो है वो ये है। यहाँ से मैं एक्स वाई की वैल्यू को ऑफ कर देता हूँ ताकि जब भी हम फ्रंट में चले जाए सिर्फ एक ही लाइन हमें यहाँ पर विजिबल हो। सॉरी यहाँ से भी मुझे बंद करना होगा, सॉरी यहाँ से ऑलरेडी ऑफ है, ग्रिड को ऑफ कर दो। एंड ये हमारा फ्लोर है, तो इस ऑब्जेक्ट को फ्लोर के ऊपर रखेंगे यहाँ पर, एंड इन ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करो सभी को एक साथ ताकि परफेक्टली वो प्लेस हो जाए, एंड इस रिंग को भी यहाँ पर प्लेस कर दिया। ये जो स्टेप है उसे भी सिलेक्ट करो सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ, एंड गो टू फ्रंट, एंड इसे ऊपर की ओर यहाँ पर मूव कर दो। यहाँ तक हो गया कंप्लीट। ये बैक साइड का, ये अगर इंटरसेक्ट होता है नीचे की साइड में तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी सारे ऑब्जेक्ट जो है वो परफेक्टली यहाँ पर प्लेस हो चुके हैं। इतना ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, इसे मुझे बैक साइड में यहाँ पर मूव करना है। सिलेक्ट करो इतने ऑब्जेक्ट को,
कंट्रोल से फ्लोर को डिसलेक्ट कर दिया एंड इसे मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। अभी यहाँ पर जो वैल्यू है स्पीयर की वो काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रही है, तो मैं तो उसको थोड़ा सा यहाँ पर रख दिया। ओके, अभी इसे मैं फ्लोर पर प्लेस कर देते हैं। डन, यहाँ तक परफेक्ट क्रिएट हो गया। अभी एक और स्पीयर मुझे क्रिएट करना है, तो शिफ्ट ए मैश एंड यूवी स्पीयर। ओके, इसे यहाँ पर साइड में मूव कर दो एंड नाउ टैब प्रेस करके इसे ऊपर के कुछ इतने फेसेस को डिलीट कर दो, फेसेस एंड बैक साइड के भी डिलीट एंड फेसेस। तो यहाँ पर मैंने इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया। अभी नाउ इसके ऊपर अप्लाई करते हैं सॉलिडिफाई एंड अंदर का जो थिकनेस है वो यहाँ पर मुझे ज़्यादा चाहिए। डन, यहाँ तक हो गया। टैप प्रेस करें, यहाँ से अप्लाई करें एंड उसके बाद अगेन टैप प्रेस करके अब टू प्रेस करो एंड अभी लूप को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल बी, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कर्व भी चाहिए यहाँ पर। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट एक और क्रिएट किया। शेड स्मूथ यहाँ पर अप्लाई कर दो एंड इसे मुझे मूव करना है इस स्टेप्स के आगे, इसे रोटेट करना है, इस साइड में रोटेट किया एंड फिर ओके यहाँ पर मैंने इसे रोटेट करके प्लेस कर दिया। अभी अगर हम ऑफ करते हैं ज्योमेट्री को तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर क्रिएट हुआ है। टॉप में जाके इसे मैं स्टेप्स के पास में प्लेस कर दिया। और सिलेंडर ऐड करने हैं, शिफ्ट मैश एंड ऐड सिलेंडर, इसे मुझे यहाँ पर मूव करना है, यहाँ पर मूव कर दो एंड इसका थिकनेस जो है वो काफ़ी कम चाहिए, तो शिफ्ट प्रेस करके एक पतला सा लाइन एंड उसे स्केल करना है जेड डायरेक्शन में। अब यहाँ से ऑन कर दो ज्योमेट्री यानी कि वायर फ्रेम को, मैंने स्केल कर दिया। नाउ आप टैब प्रेस करके वन प्रेस करके इसे एडजस्ट करना चाहो तो आप वर्टेक्स को एडजस्ट कर सकते हो एक्सरे मोड एंड नाउ थिंक नियरेस्ट यहाँ पर इसे फ्लोर के नीचे यहाँ पर सेट कर दिया। टैब प्रेस करो एंड उसे मूव करना है जेड में जाके इस स्टेप के पीछे की ओर, तो यहाँ पर मैंने इसे रखा हुआ है। ओके, अभी इसका थिकनेस जो है वो काफ़ी थीन है तो उसे मुझे थोड़ा सा स्केल करना है, तो यहाँ पर मैंने इसे स्केल कर दिया एंड अभी टैब प्रेस करो थ्री, तो ऊपर का जो फेस है वो डिलीट एंड नीचे का फेस जो है वो भी डिलीट कर दिया, ताकि इसके ऊपर अगर मुझे बेवेल देना है तो उसके लिए पहले मुझे इसे सॉफ्ट क्रिएट करना पड़ेगा। एंड नाउ गो टू फ्रंट, यहाँ से एक्सरे को ऑफ कर दो, इसके ऊपर मुझे अप्लाई करना होगा टैप प्रेस करके सब डिवीजन एंड वैल्यू जो है यहाँ पर थ्री एंड रैंडम में फोर, राइट क्लिक शेड स्मूथ, तो ये अच्छा एक सर्कल आपका क्रिएट हो जाएगा। बट यहाँ से कंट्रोल सी कंट्रोल वी एक कॉपी किया, टैब प्रेस करके वन प्रेस करो एंड वर्टेक्स जो है वो एक्सरे मोड में सिलेक्ट करो। अब मैं इसको नीचे की ओर में मूव कर सकता हूँ, फ्रंट में चले जाओ समझे नियरेस्ट यहाँ तक एंड टॉप में जाके टैब प्रेस कर दो एंड स्केल मुझे करना है इसे समथिंग यहाँ पर, तो इन दोनों सिलेंडर के बीच में आपको इतना थिकनेस में डिफरेंस दिखेगा। अब इसे सिलेक्ट करना है, टैब प्रेस करो टू प्रेस करो एंड ऊपर का जो लूप है उसे एक्सट्रूड करना है, बट स्केल भी यहाँ पर चाहिए। अभी जो यहाँ पर कर्व जो आ रहा है वो या सब डिवीजन की वजह से हमें कर्व आ रहा है, तो यहाँ पर अगेन सिलेक्ट करते हैं लूप को एंड मैं कंट्रोल बी से इसे यहाँ पर स्मूथ करता हूँ, बट इतने सारे नहीं, सिर्फ और सिर्फ टू सेगमेंट को ऐड करके इसे यहाँ तक स्मूथ हम बना सकते हैं।
तो ये हो गया परफेक्टली का फीचर, स्मूथनेस हमें मिल रहा है यहाँ पर। या तो एक और ऑप्शन भी था कि डायरेक्टली हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते थे सोलिडिफाई को, तो भी वो फील हो सकता था। अभी यहाँ पर अगेन टॉप, ठीक है। अभी यहाँ पर जो सब डिवीज़न है उसे मैं अप्लाई कर देता हूँ, तो टैप प्रेस कर दो, अप्लाई कर दो, एंड अगेन टैप प्रेस करके जो यहाँ पर जो लूप है उसे मुझे एक्सट्रूड करना अंदर की ओर, बट विथ स्केल। तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर दिया, एंड अगेन एक्सट्रूड, अगेन स्केल अंदर की ओर। वन प्रेस करो जो वर्टेक्स है, उस वर्टेक्स को राइट क्लिक करके यहाँ पर मर्ज वर्टेक्स एट सेंटर, तो यहाँ पर वो मर्ज हो जाएंगे। टैप प्रेस कर दो, राइट क्लिक एंड शेड स्मूथ है, बट यहाँ पर ऑटो स्मूथ ऑन करना ना भूलें, जिससे आपका स्मूथनेस जो है वो परफेक्टली आपको मिलेगा। अब यहाँ तक जो है हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी किया, एंड मुझे इसे मूव करना है यहाँ बाहर की ओर, इसको रोटेट करना है यहाँ पर। उससे पहले यहाँ पर वायर फ्रेम को ऑन कर दो, ताकि जो आपका ये सिलेंडर है वो कहीं यहाँ पर विजिबल होना चाहिए। आर प्रेस करता हूँ मैं, एंड उसे यहाँ पर रख दिया। टैप प्रेस करें, ये जो वर्टेक्स है उसे मुझे मूव करना है। जूम इन करो यहाँ पर, एंड एक्सरे को बंद कर दो, एंड थ्री प्रेस करो, तो यहाँ पर जितने भी ये लूप है एक्सट्रूड करना है। बट एक्सट्रूड करने से पहले यहाँ पर मुझे सिलेक्शन में यहाँ से सिलेक्ट करो, कोई बाकी रह गया, यस यहाँ पर सेंटर में बाकी रह जाता है, तो एक्सरे ऑन करो, फिर सिलेक्ट करो, यहाँ पर परफेक्टली सिलेक्शन मिल जाएगा। अभी एक्सरे को आप ऑफ कर सकते हो, एक बार कंफर्म कर लो कोई बाकी नहीं है, एंड नाउ फ्रंट में जाके आप इसे ई प्रेस करो, एंड वो एक्सट्रूड यहाँ पर हो जाएगा। तो मुझे समथिंग यहाँ तक इसे एक्सट्रूड करना है, टैप प्रेस कर दो। अब इसका रोटेशन जो है वो मुझे परफेक्टली यहाँ पर और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर टच होता हुआ दिखाई देना चाहिए, तो ऐसे मुझे उसको सेट करना है। तो यहाँ पर आर प्रेस करो एंड शिफ्ट प्रेस करो, जिससे आप परफेक्टली इस सरफेस के ऊपर इसे रख सको। डन, यहाँ तक ये हो गया, ज्योमेट्री को ऑफ कर दो। अभी इसे यहाँ पर टच करने के लिए टैप प्रेस करें एंड वन प्रेस करें, ऊपर के वर्टेक्स को सिलेक्ट करो, बट विथ एक्सरे मोड यहाँ पर सिलेक्ट किया, एंड इसे मैं यहाँ पर मूव करता हूँ। ओके परफेक्ट, एंड नाउ एक्सरे को ऑफ कर दो, एंड अभी ये कुछ इस तरह से सेट हो चुका है। अभी हमारा ये जो सिलेंडर है वो इस ऑब्जेक्ट के परफेक्टली सेंटर में है। डन, यहाँ तक हो गया, एंड अभी एक्सरे। अभी एक और मुझे शिफ्ट ए मेश एंड यूवी स्पीयर चाहिए, उस स्पीयर को मैं यहाँ पर कहीं पर प्लेस करना चाहता हूँ, एंड नाउ स्केल भी कर देते हैं थोड़ा सा, यस यहाँ तक, राइट क्लिक शेड स्मूथ करना ना भूलें, एक बार चेक कर लूँ, यस परफेक्टली यहाँ पर वो ऐड हो चुका है। अगेन फ्रंट सिलेक्ट करो, एंड इसे कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी करना, एंड यहाँ पर प्लेस कर दो। स्केल थोड़ा सा कम कर देते हैं, एंड नियरेस्ट प्लेस कर दो, थोड़ा सा देखो स्पेस है, स्पेस अगर नहीं होगा जितना उतना अच्छा आपको इसका कॉन्टेक्स्ट शेडो क्रिएट होगा। बिल्कुल इस तरह से प्लेस कर दो, एंड यहाँ से वायर फ्रेम ऑन कर सकते हैं, एंड इसे जो बैकग्राउंड जो है वो मुझे स्केल करना है विड्थ में, स्केल कर दिया, एंड नीचे का भी फ्लोर भी यहाँ से मैंने इसे स्केल कर दिया। नाउ सिलेक्ट करो इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एंड इसे मुझे मूव करना है कहीं पे भी स्मॉल स्पीयर में, अगेन कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एंड इसे मैं कहीं यहाँ पर थोड़ा सा स्केल कर दिया, एंड अगेन कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी करो, एंड यहाँ पर थोड़ा सा और स्केल करता है, एंड बाकी जो है वो इसे कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी करके नीचे फ्लोर के ऊपर परफेक्ट उसी साइज का स्पीयर हमने रखेंगे, थोड़ा सा स्केल,
एंड यहाँ पर मैंने इसे सेट कर दिया। एक और स्पीयर को मैंने कॉपी किया है एंड इसका साइज जो है वो कहीं नियरेस्ट इस साइज का, एंड आप इसे यहाँ पर प्लेस कर दें। तो ये इतना स्पीयर जो है वो प्लेस हो चुके हैं। अगेन कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड इसे कहीं यहाँ पर प्लेस कर दें। अगेन एक और कॉपी एंड यहाँ पर साइज को कम कर दूँ और भी कम कर दूँ, एंड एक और कॉपी कहीं यहीं पर थोड़ा सा स्केल को बढ़ा दो, एंड एक और कॉपी उसे यहाँ रख दो। साइज जो है वो कम रखेंगे नियरेस्ट साइज का, सेट कर दो यहाँ पर। एक और कॉपी थोड़ा सा दूर रखते हैं, जूम इन करो स्केल एंड सेट, यहाँ पर प्लेस कर दिया। तो इतने स्पीयर को हमने कॉपी किया। अभी और अगर आप चाहो तो आप कॉपी कर सकते हो स्पीयर को। अभी मुझे थोड़ा बहुत ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट हमारे क्रिएट हो चुके हैं, अभी यहाँ पर सिर्फ अरेंज करना बाकी है। ये जो स्टेप है उसके जितने भी ऑब्जेक्ट है उसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर मूव कर देता हूँ, टॉप में चले जाए। एंड अभी ये जो ऑब्जेक्ट है उससे मैं बाहर कर लेता हूँ, एंड ये जो स्टेप है उससे आगे यहाँ पर रखेंगे। स्टेप को थोड़ा सा मैं पीछे की ओर मूव कर दूँ नियरेस्ट इस ऑब्जेक्ट के, एंड इसे यहाँ पर इन दोनों को इसे और इस रिंग को थोड़ा सा और यहाँ पर मूव कर दिया। यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसे सिलेक्ट करो। देखो अभी ये जो स्पीयर जो है वो मूव होगा इस सिलेंडर के ऊपर, एंड ये जो ऑब्जेक्ट है बैकग्राउंड को छोड़ के फ्लोर को छोड़ के इसे हम यहाँ पर सेट करेंगे। एंड अभी यहाँ पर जो कॉपी किया ऑब्जेक्ट अभी हमने वो परफेक्टली एक ही लाइन में है, तो उसे हमें मूव करना है। बट उससे पहले हमने यहाँ पर जो चेंजेस किया उससे मुझे सेट करना है यहाँ पर। ओके, थोड़ा सा और रोटेशन शिफ्ट के साथ करेंगे ताकि परफेक्टली यहाँ पर सेट हो जाए। वो हो गया। नाउ इस स्पीयर को यहाँ पर सेट कर दो, डन। एंड ये जो ऑब्जेक्ट है टैप प्रेस करें, एक्सरे मोड वर्टेक्स, ऊपर के वर्टेक्स को सिलेक्ट करो एंड इसे यहाँ पर प्लेस कर दो। एक्सरे को ऑफ कर दो, यहाँ से ज्योमेट्री को चाहो तो ऑफ पर बाद में करेंगे उसे, इसे मैं यहाँ पर रखता हूँ। एंड अभी रोटेशन के बाद इसे भी हमें थोड़ा सा नीचे की ओर एंड टॉप में जाके अभी जो स्पीयर जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया तो उसे रफली आप फ्रंट बैक में उसे मूव कर सकते हो। तो यहाँ पर इतने स्पीयर को हमने अरेंज कर दिया, इस स्पीयर को बैक साइड में वॉल के पास यानी कि बैकग्राउंड के पास ताकि उसका शेडो आपको मिले, एंड यहाँ पर समथिंग इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट को अरेंज किया है। ज्योमेट्री को ऑफ कर दो। तो यहाँ तक इस तरह से हमने हमारे ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया। अभी जैसे कि यहाँ से शेडिंग में आप यहाँ से रैंडम अप्लाई कर दो ताकि आपको इस तरह से अलग अलग ऑब्जेक्ट के शेडिंग जो है वो विजिबल होंगे। इसके ऊपर मटेरियल जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।